ये है दिल्ली दर्पण। खिलाड़ी को अगर हमें बेहतर बनाना है तो आपके जैसे लोग हमारे पास साथ होने चाहिए, और आप कहते हो जो केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं वो तो हम भी देंगे, तो लोग वोट भी केजरीवाल को दे देंगे। जब दे ही रहे हैं तो आप कहे बोल रहे हैं हम लोग गलत हैं। हम लोग कहे गलत हैं? पूर्वांचल की आवाज उठाएंगे, दलितों पिछड़ों की माइनॉरिटी की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए गलत है। ये आवाज वहां उठाते तो हमको गर्दन दबाई जाती। आखिर आप हर एक को अपने जूते की नोक पर रखेंगे, कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं वो पार्टी छोड़ करके, मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी की अम्ब्रेला के नीचे काम करने का मौका मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त सबसे चर्चित जो चेहरा है वो अनिल झा का है, और मैं ठीक अनिल झा जी के साथ अभी मौजूद हूँ। और अभी ये आम आदमी पार्टी ऑफिस से होते हुए आए हुए, केजरीवाल जी से मिलते हुए आए, क्योंकि इनको अब किराड़ी विधानसभा से आने वाले चुनाव में इनको टिकट दे दी गई है। अब इनसे जानते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही, वो तमाम वो आपके सवाल जो पिछले कई दिनों से आप लोगों के मन में होंगे कि किस तरह अनिल झा जी की ऐसी कौन सी बात होगी जो भाजपा को छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में है। सर, सबसे पहले दिल्ली दर्पण टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आज इस तरीके से आपको वर्तमान विधायक को दरकिनार करते हुए आपको टिकट दे दिया गया, क्या ऐसी अंदर खाने बात रही कि आपको ज्यादा सर्वोपरि दी गई उनको छोड़कर? कोई अंदर खाने बात नहीं, तो ओपन खाने बात थी जी। अंदर खाने के बात नहीं था। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर कहा कि अनिल, आपको किराड़ी को अगर हमें बेहतर बनाना है तो आपके जैसे लोग हमारे पास साथ होने चाहिए। मुझे भी लग रहा था मेरी पार्टी के अंदर पिछले 10-12 सालों से हमारे जैसे कार्यकर्ता जो पूर्वांचल के हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ लीडरशिप देने की कोई गुंजाइश नहीं बच रही थी। सवाल सिर्फ लीडरशिप की गुंजाइश देने का नहीं है, सवाल है जिन मुद्दों को लेकर के 14 पंथ मार्ग के जो नेता मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, आखिर उन्हें देखिए क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जी। जो समाजवादी पार्टी से व्यक्ति आया हो, आ गए, चलो आ गए, आप उनको सीधे प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसा हार्डकोर आदमी उनके पास टिकटें मांगने जाएगा। पूर्वांचल के नाम पर जो धांधली मची, लोग पहले लुक छुप करके कुछ चीजें बेचते थे, वो पटरी लगा के बेचने लगे। यहां तक ये स्थिति आई, इस बार सीटों पर 20-20 करोड़ के सौदे हुए हैं, और ये उस पार्टी में जहां पर कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस, यानी कि सुचिता की राजनीति की बात के चर्चा करने वाले, और आरोप किसको लगा रहे हैं? सामने वाली पार्टी पर। देखिए, मैं एकदम में कोई मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, एक दिन में कोई दिल परिवर्तन नहीं हुआ है। 32 साल मैं उस पार्टी में रहा हूं, मैंने अपना जीवन, अपना बाल्यकाल और अपनी जो है मैंने युवावस्था मैंने वहां पर बिताई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आ गई? आप ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का कांग्रेसीकरण होने में 30 साल लग गए थे, ये 10 साल में धाराशाही हो रहे हैं। आखिर आप हर एक को अपने जूते की नोक पर रखेंगे, कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं वो पार्टी छोड़ करके, मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी की अम्ब्रेला के नीचे काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन हमारे जैसे लोग आएंगे, इनके अंदर सुधार की गुंजाइश बनेगी। वहां पर दलितों को, पिछड़ों को किस स्थिति में रखा जाता है, आप जाइए प्रदेश कार्यालय जाइए बीजेपी के, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का कमरा देखिए, और वहां पर ओबीसी का जो दफ्तर है उसका कमरा देखिए, वहां पर जो पूर्वांचल के लोग हैं उनका कमरा देखिए। बैठने के लिए जगह नहीं, दड़वों की तरह बिठा रखा है उनको, जैसे कबूतर खाने बना रखे हो। और ये लोग अपने दफ्तरों पर, अपनी गाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, शीश महल की बात करते हैं, इनके चरित्र का बात बताएं। सौदा तय होता है 14 पंथ मार्ग में, डीलिंग होती है मुंबई के अंदर, और वहां से डीलिंग होकर के ये दुबई लोग घूमने जाते हैं और ऐसे करके सौदाबाजी करते हैं। ये तो कोई बोलने वाला नहीं था, हमारे जैसे लोग बोलने वाले आ गए। ये ह्यूज लेवल पे, ये जो एक जो दिखावटी नेशनलिज्म के बाद जो ये अंदर से खोखला कर रहे हैं सिस्टम को, उस सिस्टम को उजागर करने के लिए हमको तो केजरीवाल जी ने मौका दे दिया। और पूर्वांचल मैं 96, 97, 98 उस दौर में चुनाव लड़ता था छात्र संघ का। आखिर हमारे जैसे लोग एक मतलब कि आप क्या बताएं, हम अब कुछ चीजें हैं जो टेलीविजन पर नहीं कही जा सकती हैं। अब हमको लगा कि अब ये बर्दाश्त से बाहर है जी। अब प्रदेश कार्यालय सूचना देता है जिलों को कि फला आदमी की फोटो नहीं लगनी चाहिए होर्डिंग के अंदर, वो मीटिंगों में जाएं तो उनको पीटना चाहिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि नीचे तक के
कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा था। वो तो वहाँ षड्यंत्र करते हैं ना, ये यहाँ पे नहीं है। ये आखिर 28 साल से भाजपा क्यों हार रही है? मैं तो उस दौर में भी भाजपा में जीता था जब 10-12 लोग जीतते थे जी। ऐसा तो नहीं, हम तो लड़ाई, यही बड़ा सवाल रहता है हम लोगों का कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह हो गई जो अचानक ठीक इलेक्शन से पहले आपको पाला चेंज करना पड़ गया। क्या करें, मनुष्य है ना, संत तो है नहीं जी। कोई तो तौर तरीका होगा ना, कोई तो मौका होगा। मैं कोई संत हूँ? मेरे अंदर इच्छाएं नहीं होंगी, मेरे अंदर सब कुछ वो नहीं होगा, लेकिन मुझे किराड़ी की जनता के डेवलपमेंट के लिए फैसला लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ अभी सुधार की गुंजाइश है। यहाँ बहनों को 1000 रुपया महीना जो अरविंद केजरीवाल जी देना चाहते हैं, और जैसे ही वो प्लानिंग करते हैं वैसे ही कोई ना कोई अड़ंगा उड़वा देते हैं। अच्छा, अभी मैं रटे रटाए बात नहीं कर रहा हूँ, आखिर चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल करने का क्या मतलब है दिल्ली सरकार के, कि आप उस फाइल पर साइन मत कीजिए? भाई एक चुनिंदा सरकार है, वो कह रही है 1000 रुपया महीना महिलाओं को मिलना चाहिए, तो देने दो ना यार। और आप कहते हो जो केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं वो तो हम भी देंगे, तो लोग वोट भी केजरीवाल को दे देंगे। जब दे ही रहे हैं तो आप कहे बोल रहे हैं? अब राजनीति के ऊपर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आपने राजनीति की बात की। राजनीति में देखने को मिलता है कि विरोधियों को ज्यादा, जो विरोधी पार्टी से लोग आते हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और आम आदमी पार्टी ने भी वही रणनीति अपनाई जो आज 11 सीटें अनाउंस हुई, उसमें 7 लोगों को, ऐसे लोगों को दिया गया जो किसी न किसी पार्टी से आए हैं, और आप भी जो हैं किसी दूसरे पार्टी से इस पार्टी में आए हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बीजेपी के रास्ते पे चलते हुए नजर आ रही है? अच्छा, हम लोग ये मतलब कि इसमें अगर हम आ गए तो दोष है, और गहलोत जो वहां चले गए इतना माल खा के भाई, इतना माल खा लिए जब उनकी गर्दन फंसने लगी तो वहां भाग गए, तो वो ठीक नहीं है। सिरसा जो पंजाब से दौड़ करके आ गए वो ठीक नहीं है। मनोज तिवारी जो बिहार से आ गए समाजवादी पार्टी से तो वो ठीक है। अरविंदर समली जो कांग्रेस से आ गए भाजपा में वो ठीक है। और राजकुमार चौहान जो वहां आ गए तो ठीक है। हम लोग गलत हैं? हम लोग कहला गलत है? पूर्वांचल की आवाज उठाएंगे, दलितों पिछड़ों की माइनॉरिटी की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए गलत है? ये आवाज वहां उठाते थे तो हमको गर्दन दबाई जाती थी। तो अब जो है अब ये सारा गठजोड़ केजरीवाल जी के साथ आ गया है, मतलब कि ये सवाल कोई उनसे भी तो पूछे। उनके यहाँ जो जाएगा ठीक है, और हम जो यहाँ आ गए तो खराब है। मैंने फिर कहा हम किराड़ी की जनता को सहूलियत देना चाह रहे हैं, ट्रैफिक जाम से मुक्ति, यहाँ ट्रैफिक सिस्टम बढ़िया बने, अस्पताल बने, सीवर लाइन 200 दिन में चालू हो जाए। उसके लिए मुझे केजरीवाल जी ने एक बार आप मुझे शुरू से बता दीजिए कि क्या क्या किराड़ी की जनता से अगर आप आते हैं, जीत के आते हैं, तो क्या क्या ऐसे वादे रहेंगे जो प्रमुखता से पहले निपटारा किया जाए? तीन है, 200 दिन में सीवर चालू, 3 साल में हॉस्पिटल चालू, और ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए बसें इतनी लगा दूंगा यहाँ की बहनें याद करेंगी जी, क्योंकि मैं बस लगाने में चैंपियन आदमी हूँ, पेंशन लगाने का महा चैंपियन आदमी हूँ। पेंशन तो मैं ऐसे लगाता हूँ चलते फिरते लोग याद करेंगे जी, क्योंकि मेरे पास तरीका है इन मुद्दों को। वर्तमान विधायक के पास तरीका नहीं था? वो तो उनसे पूछिए, हमका किसी से जो सवाल में, वो भी आपके पार्टी के ही नेता है, तो मेरे पार्टी के नेता है तो मेरी पार्टी के तो ये सचदेवा भी थे, पहले मेरी बात मानते थे जी। अपना पूर्वांचलियों को विशेष तौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया, मधुबनी हो, दरभंगा हो, वहां से ज्यादा सीटें निकल कर आई, संभावना ना होते हुए भी आपको लग रहा है कि आपने जो है भाजपा में परिस्थिति की बात कर रहे हैं ना, आप पूर्वांचल की, वहां की परिस्थिति अलग है, दिल्ली की परिस्थिति अलग है। देखिए राजनीति में समय काल और परिस्थिति के साथ चीजें बदलती है जी, और कालखंड ऐसा चल रहा है कि केजरीवाल और दिल्ली जी एक दूसरे के लिए आकर्षित हैं और हम लोग उसमें सहयोगी नहीं। ये थोड़ा सवाल मिक्स हो गया, आपने पूर्वांचल मतलब नॉर्थ बिहार की बात करी है या किराड़ी की बात करी है? दिल्ली के जैसे क्षेत्र में पूर्वांचल तो पहले से ही ट्रांसफर था केजरीवाल जी के साथ, कई सर 12-15 एमएलए इनकी तरफ से जीते थे। भाजपा से तो मैं ही एक थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी से लड़ झगड़ के आ रहा था, बाकी लोगों की कहाँ पोजीशन कहाँ आ रही थी, ले दे करके तिवारी जी आए, तो तिवारी जी कोई हार्डकोर वर्कर थोड़ी ना, तो नचैया गवैया गुंडैयों को लेकर इकट्ठे आ गए थे, वो तो फिल्म एक्टर है, तो वो लोग इसलिए आ गए थे, वो इसलिए आए हैं कि कुछ लोगों के लिए सहूलियत में थे, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। मुझे लगता है कि यहाँ पिछड़ा, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी और पूर्वांचल मिल करके भाजपा को ये सीट हम 50,000 वोट से ज़्यादा से मुझे लगता है जनता जनार्दन जिताएगी। वो आम आदमी पार्टी को ये जो सीट है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और भाजपा को 50,000 वोटों से हराएगी। हमने यहाँ पर महिलाओं से बात की और पुरुषों से भी बात की और आम लोगों से ही बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि 10 साल पहले अनिल दा जी जब थे उन्होंने ये कहा कि पार्टी ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो व्यक्तित्व हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि पहले जो काम 10 साल पहले हुए थे वो पिछले 10 सालों में रुक गए। मैं आपसे सीधा जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से काम थे, आप स्वयं बताइए। देखिए, जब मैं था यहाँ पर लोग पानी के लिए त्रस्त थे, जो मेरे विरोधी लोग रोज पानी पी के मुझे गालियाँ बकते हैं वो मेरा अलावा पानी ही पीते हैं,
मेरे लाए हुए पानी से नहाते हैं, मेरे लाए हुए पानी से पखाना जाते हैं, और वो पानी पी पी के मुझे गाली देते हैं, मरसिया पढ़ पढ़ के रोज मेरी मौत का इंतजार करते हैं, मौत पे ही मरसिया पढ़ा जाता है। कौन करता है? मेरे विरोधी लोग, दिल्ली प्रदेश भाजपा से लेकर जिन्होंने यहाँ पर अपने रंग रूट खड़े किए हैं, वो सारे लोग मिलकर। ठीक है, एक हफ्ते पहले कर रहे थे वो लोग? वो तो बहुत सालों से कर रहे थे, करवाया जा रहा था, लेकिन खैर उसकी कोई बात नहीं। किराड़ी में जो काम किया, पानी लाया मैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने खड़ा किया, पेंशन का सिस्टम खड़ा किया, राशन का सिस्टम खड़ा किया, सबसे बड़ी बात क्या हुआ, यहाँ पर मैंने लोगों के लिए बेहतरीन हर, मैंने इनाम रखता था मैं, जो कच्ची गली दिखाओगे 10,000 रुपये ले जाओगे उस जमाने में, और ये लोग आज भी भरोसा करते हैं। और एक बात और गारंटी से बोलता हूँ, मैंने 3 काम बोले हैं, आपको लिख लेना, मेरे विधायक बनते ही 200 दिन में सीवर चालू होगा, 3 साल में हॉस्पिटल खड़ा होगा, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का सबसे बेहतरीन बनेगा। ये 3 काम आप देख रहे हैं, और केजरीवाल जी का जो 1,000 रुपये आएगा हर महीने, उस पर सोने पर सुहागा बनेगा बहनों को, जो फ्री बस चलेगी उस पर सोने पर सुहागा का, ये सब रेवड़ियां हम बांटेंगे। और अभी मैं केजरीवाल जी रेवड़ियां ले लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, सबको रेवड़ियां भी देंगे और भाषण भी देंगे कि हम ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, रोक सके तो रोक। तो आप कहीं ना कहीं जो रेवड़ियां बांट रही हैं उसी पर भाजपा को कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाजपा के पे ही उल्टा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो रेवड़ियां बांट नहीं सकते, है ना, हम रेवड़ियां बांटेंगे जी, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, अच्छे स्कूल की। तो आम आदमी पार्टी किराड़ी में, और आप ये देख लीजिएगा, इसका असर नांगलोई, बवाना, बुंडका, रिठाला पे भी पड़ेगा, और हम ये आसपास की सारी सीटें जीतेंगे। अनिल झा जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ अनिल झा, जो जिनको इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी ने किराड़ी विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी किराड़ी की जनता कितना इनका समर्थन जता पाती है, उनके ऊपर जो भरोसा है केजरीवाल जी का वो सही साबित हो पाता है या नहीं हो पाता है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर पर इन्होंने बकायदा आशीर्वाद लिया, उसके बाद शादी की जो सभाएं हैं वो शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहना कि दिखाते हैं कि जो वादे किए अनिल झा जी ने किराड़ी की विधानसभा की जनता से, क्या वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी पूनम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर